सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी टोरी मूवी एक्सप्लेनर। तो आज हम बात करेंगे 2017 में आई रिवॉल्ट इन अफ्रीका मूवी के बारे में। कहानी की शुरुआत में हमें एक अफ्रीकन गांव दिखाया जाता है जहां हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं क्योंकि ये एक वॉर जोन था। और वहां हम कुछ अमेरिकन सोल्जर्स को भी देखते हैं। कुछ एडवांस रोबोट उन्हें हंट कर रहे थे और इन रोबोट की एक एक वार से ही सोल्जर्स मारे जा रहे थे, पर वहीं कुछ सोल्जर्स अभी भी जिंदा थे। और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक पुलिस स्टेशन में अमेरिकन फोर्स के कैप्टन बो को देखते हैं जो धमाके के कारण बेहोश हो चुके थे। उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक सेल में पाते हैं। उन्हें सर पर चोट लगने के कारण कुछ भी याद नहीं था कि वो कहां पर है और यहां कैसे पहुंचे। और वो वहां पर पड़ी एक वाल को टच करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। वो दीवार पे एक होल बनाकर बाहर देखता है तो उसे हर चीज तबाह हुई नजर आती है। कैप्टन बो के बगल में एक और सेल था जिसमें नाडिया नाम की लड़की मिलती है जो कि एक फ्रेंच मिलिट्री की डॉक्टर थी, जो उसे बताती है कि उन्हें नायरोप नाम की जगह पर कुछ रेसिस द्वारा कैद करके रखा है। और आगे नाडिया बताती है कि कैसे पूरे अर्थ पर इलेक्ट्रीफाइड बाय पैडल रोबोट ने कब्जा कर लिया है जिससे पूरी अर्थ तबाह हो चुकी है। अभी वहाँ आसपास रखी इलेक्ट्रिक चीजें स्पार्क करने लगती है जिसका मतलब था कि वो इलेक्ट्रीफाइड एलियन आसपास ही है। लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वो अपने साथ एक व्हाइट मैन को भी लाए थे जिसे वो वहीं मार देते हैं। फिर वो बो और नाडिया को भी मारने के लिए आते हैं लेकिन बो एक सोल्जर था, वो उनके लीडर के साथ फाइट करने लगता है जबकि दूसरी तरफ नाडिया भी फाइट कर रही होती है। वो लड़ते लड़ते बाहर आ जाता है तो वो पहली बार रोबोटिक एलियन को देखता है जिससे बचने के लिए वो एक कार में जाकर छुप जाता है। एलियन के जाने के बाद वो फिर से नाडिया के पास आ जाता है। वही नाडिया को उस सोल्जर यानी बो का नाम नहीं पता था लेकिन उसके कपड़ों पर एक फटा हुआ टैग होता है जिसमें बो लिखा हुआ था, इसीलिए वो उसे बो बुलाने लगती है। यहाँ पर बो नाडिया को बताता है कि उन्हें अब US मिलिट्री के बेस तक जाना चाहिए लेकिन नाडिया उसे बताती है कि पिछले 8 दिनों से दुनिया भर के सारे मिलिट्री कैंप्स और सैटेलाइट गिरा दिए गए है और पर अब कुछ भी नहीं बचा है और आसपास शायद ही कोई मिलिट्री बेस मिलेगा। पर बो उसे बोलता है कि शायद मैं सब कुछ भूल गया हूँ लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, मुझे US मिलिट्री के बेस तक पहुंचना ही होगा। और वो आगे बढ़ने लगता है। नाडिया भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है और दोनों कुछ खाने पीने का सामान लेकर कार से आगे बढ़ते हैं। पर रास्ते में उन्हें केनिया मिलिट्री के लोग रुक लेते हैं जो बो के हाथ पे एक सैटेलाइट जैसे दिखने वाले टैटू को देकर उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वो उनमें से एक की गन छीन कर दो को छोड़कर बाकी सबको उड़ा देता है। वो उनसे इस टैटू के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि ये जो उसके हाथ पर टैटू है वो अमेरिकन रेडियो स्टेशन का है जहाँ बिल्कुल एक ऐसा ही सैटेलाइट है। और इन सोल्जर्स का मानना था कि दरअसल अमेरिका ने ही सैटेलाइट की मदद से एलियंस को अर्थ पर बुलाया था लेकिन वो को इनकी बातों पर यकीन नहीं आता है कि उसकी मिलिट्री के लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। और केनियन सोल्जर की बात सच है या नहीं ये जानने के लिए वो खुद उस रेडियो स्टेशन तक जाने का सोचता है जहाँ अगर सोल्जर की बात सच है तो वो खुद उस रेडियो स्टेशन को तबाह कर देगा। पर इसी बीच एक एलियन उनके ऊपर हमला कर देता है जिसे बचने के लिए वो और नाडिया एक टूटी पड़ी दीवार के पास आकर छुप जाते हैं लेकिन तभी उन्हें एक फैमिली दिखाई देती है जिसे वो एलियन मार देता है। वो और नाडिया चाह कर भी उन्हें बचा नहीं पाते हैं और किसी तरह दोनों खुद को उस एलियन से बचा लेते हैं। और अब रात गुजारने के लिए दोनों एक जगह रुक जाते हैं जहाँ दोनों अपने अपने पास्ट के बारे में बताने लगते हैं। सुबह होते ही वो दोनों फिर से अपने सफर के लिए निकल जाते हैं लेकिन इसी बीच रास्ते में उन्हें एक रेडियो की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें कुछ एलियन हंटर पकड़ लेते हैं जो इन दोनों को एक चारा की तरह इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर बाद एलियंस भी वहां आ जाते हैं और इन दोनों को ऐसा करता देख वो एलियन इनके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ मौजूद हंटर उन पर गन से अटैक करते हैं लेकिन तभी वहाँ दूसरे एलियंस भी आ जाते हैं जो एक एक करके सभी हंटर को मौत की नींद सुला देते हैं। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह थी कि वो बो को छोड़कर बाकी सभी को मार रहे होते हैं लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो खुद को और नाडिया को छुड़ाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ दोनों एक ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो नीचे देखते हैं तो उन्हें नीचे लेक के पास एक इंजर्ड फोटोग्राफर मिलता है जो बो और नाडिया को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने काफी दिनों से कोई जिंदा इंसान को नहीं देखा था। ये दोनों उसके पास आते हैं और वो इन दोनों को बताता है कि कैसे उसने दुनिया भर में जाकर एलियन से लड़ रहे लोगों की पिक्चर्स निकाली है ताकि ये फोटो दिखाकर बाकी लोगों को इंस्पायर कर सके एलियंस के खिलाफ लड़ने के लिए। पर काफी इंजर्ड होने के कारण फोटोग्राफर को पता था कि वो बचने वाला नहीं है पर वो को वो आदमी अपना कैमरा ऑफर करता है जिसमें US मिलिट्री की भी फोटोज थे जिन्हें फॉलो करते हुए नाडिया और वो आसानी से उस जगह पहुंच सकते हैं।
लेकिन ऐसे इंजर्ड हालत में वो उनके साथ नहीं जा सकता था, इसीलिए वो इन दोनों को कहता है मुझे गोली मार दो। ना चाहते हुए भी नाडिया को उस फोटोग्राफर को गोली मारनी पड़ती है। वहीं पर कैमरा की मदद से दोनों अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। काफी दिनों तक पैदल चलने के बाद उनकी कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन किस्मत उनकी यहाँ पर साथ देती है और उन्हें एक गाड़ी मिलती है जिसकी मदद से वो आगे का बचा हुआ सफर पूरा करते हैं। पर थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें पीछे हजारों की तादाद में रोबोटिक एलियन दिखाई देते हैं जो उनके गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए दोनों एक अनजान घर के बेसमेंट में आकर छुप जाते हैं। मगर तभी उन पर एक और मुसीबत आन पड़ती है और उन एलियन का स्पेसशिप उन्हें अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन किसी कारण से सिर्फ नाडिया ही ऊपर खींची चली जाती है। वो पूरी कोशिश करता है कि वो नाडिया को बचा ले, लेकिन नहीं बचा पाता है। अब वो अकेले बचा था जो कि अकेले ही बेस की तरफ का पूरा सफर जारी रखता है और फाइनली किसी तरह वो बेस तक पहुंच जाता है, लेकिन यहां पर भी उन एलियन के हमले से सब कुछ तबाह हो चुका था। तभी उसे दीवार पर रेसिस ग्रुप के निशान दिखाई देते हैं जिसे वो फॉलो करने लगता है और वहां से वो एक जगह पर आकर आराम करने के लिए रुक जाता है। तभी उसके पास दो स्पाइडर जैसे दिखने वाले रोबोटिक एलियन आते हैं और वो बो के चेहरे को स्कैन करता है और उसे बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। वहीं बो को रेसिस ग्रुप के लोग देख लेते हैं जो उसे अपने बेस में ले आते हैं, जहाँ पे वो बो के पैर पे लगे चोट को ठीक करते हैं और उन्हें अब तक जो कुछ भी हुआ बताता है और वो ये भी बताता है कि कैसे उसे छोड़कर सिर्फ नाडिया को एलियनशिप लेकर गई, लेकिन उसके बाद पर कोई भी यकीन नहीं करता है। और उसी कैंप में बो की मुलाकात उनके लीडर रॉड्रिक से होती है जो बो को उसके बनाए हुए एएनपी मशीन दिखाता है जिसे वो इन एलियनशिप को इलेक्ट्रिक्यूट कर सकता है जो दूसरे एलियन को कंट्रोल कर रहा था। रॉड्रिक वो से उस एएनपी को एलियनशिप के सबसे वीक पॉइंट पर लेकर जाने का बताता है जो कि असल में शिप का नीचे का हिस्सा है जो तभी खुलता है जब एलियन लोगों को पकड़ रहे होते हैं। तभी बो की नजर पास में रखी कुछ ड्राइंग्स पे पड़ती है जिसे देखकर उसे कुछ फ्लैशबैक याद आने लगता है और देखते ही देखते बो को सारी चीजें याद आने लगती है कि कैसे एलियन से लड़ते समय कुछ एलियन ने बो के स्पाइन में एक चिप फिट कर दी होती है और इसी कारण से बो को एमनेसिया के भी अटैक आ रहे होते हैं। साथ ही उसके बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी के झटके सहन करने की एक एबिलिटी आई होती है जो कि असल में एक ट्रैकर की तरह काम करती है और इसी कारण से वो अब तक बचते आ रहा था ताकि एलियन उसका पीछा करते हुए बाकी बचे इंसानों को भी पकड़ पाए। यानी कि अब वो की वजह से अब एलियंस को इन रेसिस ग्रुप का बेस का पता चल गया था, जिससे कारा नाम की लड़की को वो पर काफी गुस्सा आता है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो उसे किसी तरह समझा लेता है कि वो लोग उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एलियंस वो को कुछ भी नहीं करेंगे और वो इस ईएमपी मशीन को एलियन शिप तक लेके जा पाएगा। अब निकलने से पहले ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि कैसे एलियन शिप सारे लोगों को इकट्ठा करती है और तभी उसका मेन डोर ओपन होता है उन्हें ऊपर खींचने के लिए और इसी जगह पर सब लोग ईएमपी मशीन के साथ टनल के रास्ते निकल जाएंगे और उस जगह पर पहुंचने के लिए अब सब लोग मशीन के साथ टनल के रास्ते निकल पड़ते हैं। पर इसी बीच में उनके ऊपर स्पाइडर एलियन का हमला होता है जिनसे बचने के लिए काला खुद को सैक्रिफाइस कर बाकी बचे हुए लोगों को आगे जाने की मदद करती है और इसी तरह से कुछ लोगों को खोने के बाद सभी फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एलियंस के पकड़े हुए लोग मिलते हैं। पर क्योंकि वो लोग उन लोगों के बीच में ईएमपी को डिटोनेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो एलियंस के पास जाता है ताकि वो उनका ध्यान अपने तरफ खींच सके और दूसरे लोगों को वहां से भागने का मौका मिल सके। वहीं बो और रॉड्रिक दोनों ईएमपी मशीन को एलियन के पास लेकर जाते हैं, पर एक एलियन के वार से ईएमपी मशीन की बैटरी खराब हो जाती है। लेकिन इसके पहले कि एलियन उन्हें मारे, बो को समझ आ जाता है कि ये लड़ाई बस उसके अकेले की नहीं है और उन्हें एक साथ आकर एलियंस का सामना करना होगा। और बो को उस फोटोग्राफर की खींची हुई पिक्चर याद आती है जिसमें एक बच्चा पत्थर से एलियन से लड़ रहा था और वो खुद भी एलियंस को पत्थर से हमला करता है जो कि दूसरे लोग भी देख रहे होते हैं और उनमें भी एक जोश आता है और वो भी एलियन से फाइट बैक करने लगते हैं। लेकिन उन्हें मशीन चालू करने के लिए बैटरी की जरूरत है जिसके लिए वो खुद की जान खतरे में डालकर टूटी पड़ी इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिसिटी खुद के थ्रू ट्रांसफर करके मशीन तक पहुंचा देता है, जैसे कि बैटरी रिचार्ज हो जाती है और अपने आप डिटोनेट होने लगती है, जैसे कि एलियन शिप और बाकी सारे एलियंस अपने आप बंद होकर गिरने लगते हैं। वहीं शॉक लगने के कारण वो बेहोश हो गया था, लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि उसकी सारी याददाश्त वापस आ चुकी है, जहां पर उसे अपनी आइडेंटिटी भी याद आ जाती है। फिर रॉड्रिक्स बो से उसका असली नाम पूछता है, पर नाडिया की याद में वो अपना नाम बो ही बताता है और इसी के साथ ये कहानी का डी एंड हो जाता है।